हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी कैंडिडेट ने AIB 17 में फ़ी पे की थी और वो जो है एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाया है, तो क्या उसकी जो फ़ी है वो रिफ़ंड होगी या फिर वो नेक्स्ट अटैम्प्ट में शिफ्ट हो जाएगी। तो इस क्वायरी को जो है हम डिस्कस करेंगे, जो भी डाउट है आप लोगों को इससे रिलेटेड। तो गाइस, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है, इट कैन आई गेट अ रिफंड फॉर द फी पेड फॉर द AIB अनेबल टू अपीयर फॉर इट और विल फी बी एडजस्टेड फॉर सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप लोग एक बार एग्ज़ाम के लिए कोई भी फ़ी पे कर देते हो तो आप लोगों को रिफंडेबल नहीं होती है वो। नो, फीस वंस paid towards the AIB exam will not be refunded or adjusted against the subsequent attempts। तो जो आप लोग अपना नेक्स्ट AIB 18 एग्ज़ाम देने की सोच रहे हो और आप लोगों को ये लग रहा है कि आप लोग एक बार जो अपने एग्ज़ाम में क्रैक नहीं कर पाए एग्ज़ाम को, तो आप लोगों की जो फ़ी है वो AIB 18 में शिफ्ट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइज। आप लोगों को जो है फ्रेश फ़ी जो है इसके लिए पे करनी पड़ती है। जितनी भी आप लोगों ने अभी अपनी पे की है उतनी ही नेक्स्ट टाइम आप लोगों को पे करनी है। अगर कोई चेंजेस आते हैं तो आप लोगों को पता लग जाएगा, बट फिलहाल के लिए यही है, सेम प्रोसीजर रहेगा AIB 17 जैसा ही। कुछ भी चेंजेस आते हैं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू पता लग जाएगा। तो आप लोगों की कोई भी फ़ी जो है वो रिफंडेबल नहीं होती है, ना ही वो फ़ी जो है आप लोगों की नेक्स्ट एग्ज़ाम में शिफ्ट होती है। कुछ भी ऐसा प्रोसीजर इनकी तरफ से नहीं बताया गया, ना ही कोई ऐसा प्रोसेस जो है फॉलो किया जाता है। BCI में हावेवर ऑफर सम कंसेशंस टू कैंडिडेट्स हु आर अपीयर रिपीटिंग द एग्ज़ाम्स, द एग्जैक्ट डिटेल्स विल बी कंफर्म्ड वन BCI नोटिफिकेशन इज पब्लिश। तो देखिए, कुछ भी उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है कि अगर कोई कैंडिडेट एक बार रह जाता है तो नेक्स्ट टाइम अगर वो अप्लाई करता है तो उसकी फ़ी कम लगती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसको सेम फ़ी, सेम प्रोसीजर जो उसने अपने पहले एग्ज़ाम में किया था, सेम वही प्रोसीजर जो है उसको AIB 18 में करना पड़ेगा। कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ, अगर ओवरऑल कोई चेंजेस आता है एग्ज़ाम के लिए पैटर्न में या फिर कोई कट ऑफ वगैरह में, तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। वैसे कोई भी चेंजेस नहीं होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। और आप लोगों की कोई भी फ़ी आप लोगों को वापस नहीं मिलेगी अगर आपने एक बार पे कर दी है, या आप क्रैक कर रहे हो एग्ज़ाम को, या फेल हो रहे हो, या आप ये सोच रहे हो कि हमारी शिफ्ट हो जाएगी, तो कुछ भी नहीं होता है। एक बार पे करने के बाद आप लोगों को वापस रिटर्न नहीं की जाएगी वो। तो गाइज, ये आप लोगों का जो डाउट था वो क्लियर हो गया। अगर स्टिल आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और अपनी क्वायरीज़ को शेयर कर सकते हो, या फिर हमारा एक चैनल है लॉन टिप्स के नाम से टेलीग्राम पर, वो भी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर अपनी क्वायरीज़ को शेयर कर सकते हो। तो गाइज, होप सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो गाइज़,